तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस फाइटर जेट से संबंधित। जी हां, हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A 83 की संख्या में खरीदे जा चुके हैं, जिनका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और अगले साल फरवरी मंथ से इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, जिसमें 73 फाइटर जेट होंगे और 10 की संख्या में ट्रेनर फाइटर जेट होंगे। अब अगर दोस्तों इनके अंदर इंजन इस्तेमाल करने की बात की जाए तो वो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन हैं, जिनको कि 2021 में 99 की संख्या में HL द्वारा ऑर्डर किया गया था अमेरिका को, जिसकी कुल लागत थी $716 मिलियन, जिसके तहत अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 99 इंजन प्रोवाइड करवाएगी और इनका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 1A में करेंगे। 83 है, 99 बुला लिए थे, थोड़े से स्पेयर में चाहिए होंगे हमें। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि 100 तेजस मार्क 1A एडिशनली ऑर्डर करने के लिए इस समय बातचीत चल रही है भारतीय वायुसेना और HL के बीच में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन को मेंटेन करने के लिए 100 की संख्या में एडिशनली तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे फाइटर जेट रिटायर भी हमें करने हैं और चूंकि ये इतने कैपेबल अब साबित होते जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का जो उनके प्रति ट्रस्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और संभवतः तो अगले साल की शुरुआत में या मध्य तक 100 की संख्या में तेजस मार्क 1A ऑर्डर कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसकी तैयारी आज से ही HAL द्वारा शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अल्टीमेटली इस खबर को जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि केवल जो कुछ औपचारिक नेगोशिएशन बाकी हैं वही किए जा रहे हैं, बाकी अंदर खाने डील 100 नए तेजस मार्क 1A के लिए कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आगे जानते हैं खबर क्या निकल कर आई है। आप बस कंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि HAL इस समय 120 की संख्या में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को F404 इंजन के लिए ऑर्डर प्लेस करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, 99 का ऑर्डर हम लोगों ने पहले दे दिया था, जो कि 83 वाले बैच में इस्तेमाल किए जाएंगे, और अब जो नए 100 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाएगा उनके लिए 120 की संख्या में इंजन्स को हम लोग खरीदने जा रहे हैं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से। अभी तक की दोस्तों अगर बात की जाए तो अमेरिका द्वारा F404 इंजन के 75 यूनिट्स भारत को वितरित किए जा चुके हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। इसके बाद 99 का अलग से ऑर्डर दिया गया, जिनकी डिलीवरी भी तेजस मार्क 1A परियोजना के पैरेलली चलती रहेगी। तो वैसे तो ये काफी ऑब्वियस ही खबर है कि अगर हम लोग एडिशनली 100 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली 120 की संख्या में नए इंजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। थोड़े बहुत स्पेयर में हम लोग रखेंगे, 20 तो रखना ही पड़ेगा, तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं हो गई। लेकिन दोस्तों जब इस तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है कि 100 का ऑर्डर हम लोग प्लेस कर सकते हैं, तब इस खबर का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। अब ये जो 120 नए इंजन का ऑर्डर देने जा रहा है HAL, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना हर हाल में 100 नए तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर प्लेस करने जा ही रही है। इस बात को कंफर्म करती है ये खबर। तो अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना के अंदर तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के शुरुआत में ही 183 की संख्या में फाइटर जेट होंगे और जो पुराने 40 तेजस मार्क 1 की स्टैंडर्ड के हैं उन्हें भी बाद में अपग्रेड करके इसे स्टैंडर्ड तक लाया जा सकेगा। तो आने वाले सालों में बिल्कुल हमारी भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मॉडर्न तो दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें इंडिजिनाइजेशन का जलवा भी देखने के लिए मिलेगा, जब भारतीय वायुसेना में ज्यादातर फाइटर विमान हमारे खुद के स्वदेशी तौर पर बनाए गए होंगे। बाकी तेजस मार्क 2 के साथ ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे इंजन्स हम लोग भारत में ही तैयार करने वाले हैं, जो इन्हीं इंजन्स का इनहांस वेरिएंट होगा, यानी F414 इंजन। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।